मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, पैलेस टाइप का है, लेकिन ये पूरा का पूरा होटल है और अभी रेनोवेट भी नहीं हुआ है, पूरा का पूरा होटल है। तो अभी मैं लखनऊ की रोड में गलियों में घूमूंगा, तो वही लिए जा रहा हूँ। पूरा मैं रोड में ही हूँ। चलो कुछ दूर आगे जाते हैं, फिर देखते हैं। सामने वो जैकेट देख रहे हो, वो जैकेट वैकेट बेच रहे हैं, बहुत चीप है, बहुत चीप, रिफर्बिश्ड जो बोलते हैं ना, रीयूज करने वाला वो जैकेट है। चलते चलते पाथवे में आ गया। यहाँ देखो क्या लिखा, अंग्रेजी ठेका, शराब बियर, शराब और बियर लिखा हुआ है। शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। ओवरब्रिज नहीं है, फ्लाईओवर के नीचे जब चलते हैं, इतना ज्यादा हॉन्किंग सुनाई देता ना, सर में दर्द हो जाता है पूरा। और मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, पर मुझे शुद्ध भी करना है, इसीलिए मैं आ गया। और ये पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मतलब दूसरे तो इलेक्ट्रॉनिक रोड ही बोल दो, देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक। पापा जी डीजे वाले सामने देखो, पापा जी डीजे वाले, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखता हूँ मैं मोबाइल कवर या टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मिल जाता है कि नहीं। ये लखनऊ में देखो, बड़ा सही है ना। तो यहाँ सिर्फ बार्गेनिंग करना होता है, बार्गेनिंग स्किल्स आनी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। लड़की लोगों के लिए रिंग लाइट भी है, काला वाला भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट, देखो जूम कर रहा हूँ, भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, खतरनाक वाला भीड़ है। पूरे लखनऊ में जहाँ स्पीकर बजता है यही कंपनी का होता है स्ट्रेंजर। देखो काला वाला भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। देखो हर एक चौक में नवाबों वाली फील आती है। देखो ये चारबाग चौक है और हर एक चौक में नवाबों वाली फील। घर देखो ना, घर जैसा पर नवाबों जैसा। देखो इन सब को कितना पुराना है, देखो मिठाई वाली गली है, मिठाई सब है, इतना पुराना है ना। पेठा पेड़ा, देखो पेठा पेड़ा ये तो खाने का है। फिर चलते चलते रेस्टोरेंट, छोटे मोटे रेस्टोरेंट सामने आ गए। अब यहाँ ई टिकट सब मिल जाएगा, ऑनलाइन टिकट। सीधा इस गली से होते हुए आया और सीधा हॉर्न होते हुए चारबाग स्टेशन, यही है लखनऊ चारबाग स्टेशन। यहाँ चारबाग लिखा है ना, चारबाग चारबाग, और ये रहा स्टेशन। यहाँ पर इस तरफ से छोटी लाइनें हैं, इसके ऑपोजिट आगे चले जाओगे तो बड़ी लाइनें मिलेगी, वो रहा स्टेशन का ट्रैक। चारबाग स्टेशन दिखाया था ना, ये देखो बस स्टैंड, चारबाग के सामने ही बस स्टैंड है, सारा बस यहाँ से मिल जाएगा। लखनऊ गोरखपुर, लखनऊ चारबाग, सब जगह क्लियर है बस यहाँ पर। इतना ज्यादा चल दिया हूँ कि चाय की जरूरत पड़ गई है। अभी सूरज है पर अप्रोक्स 15 डिग्री के आसपास है, सूरज होते हुए भी। बैकग्राउंड में ये आवाज सुन रहे हो, ये ट्रेन जाने की है चारबाग से। बीच रोड में नहीं जाऊंगा, यहाँ बहुत तेज हॉन्किंग करते हैं लोग, तो मैं चला जाता। रायबरेली, चारबाग, लखनऊ, फिर से मैं चारबाग की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरा होटल ऑपोजिट साइड है और मैं ऑपोजिट साइड पहुंच गया। चारबाग स्टेशन,
यहाँ देखो कितने सारे दुकान है और हॉन्गकॉन्ग सुन रहे हो, नेक्स्ट लेवल हॉन्गकॉन्ग है। देखो कितने सारे छोटे छोटे दुकान है। चारबाग स्टेशन के सामने देख रहे हो कितने छोटे छोटे दुकान है ये सब। देख रहे हो ये रहा चारबाग स्टेशन, मस्त लिफ्ट भी लगी हुई है। ये लो स्टेशन जाने का रास्ता है फ्लाईओवर के थ्रू, उस साइड जाना होता है जिसको। कुछ तो देखो मोबाइल के बाद ऑनली 29 कवर, मतलब टेम्पर्ड ग्लास, सॉरी टेम्पर्ड ग्लास ऑनली 29, 30 रुपए से 1 रुपए कम। मतलब छोटा स्टोर, अंधेरा है बट क्या कोई यहाँ लाइट अभी तक जली नहीं है। चार बाग के पीछे भी देखो कितना सारे छोटे दुकान है, बहुत सारा दुकान है और हर तरफ आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ बार्गेनिंग स्किल्स होगा तो बहुत कम रेट में आप सामान लेके जाओगे। यहाँ इतना सारा दुकान है और पान पुड़िए का तो इतना, मसाले वाले दुकान इतने हैं, मगर कोई ऐसे का को बात नहीं कर रहा। ऐसे करके कहाँ बात किया जाता है, वो जगह को जाने का है मेरे को, समझ गया मैं बोला। पनपुड़िया दुकान इतना सारा है मगर ऐसे, मतलब मुँह को ऐसा करके बात करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं, उस जगह पे जाना है। दो कदम चलते ही पनपुड़िया दुकान मिल जाता है। चलो आगे चलते हैं। चीफ गेस्ट बार एंड रेस्टोरेंट, तो अभी एक तरफ बार एंड रेस्टोरेंट एक तरफ। देखो सामने क्या है, देखो तो यार हॉन्क मत कर, अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बार बार अंग्रेजी शराब की दुकान क्यों दिखा रहा, हटाओ इसको। गलियों में इतनी हॉन्किंग है ना, सर में दर्द हो चुका है मुझे। देखो मेरे पीछे अंडा मिल रहा है और एक तरफ जुबा केसरिया वाला सीन चल रहा है। देखो कितना काला भी हो गया होगा, अजीब हो गया, इतना डस्ट पोल्यूशन के बीच में मैं घूम रहा था तभी से। चलो अब ठंड बढ़ने लगी है, भागो जितनी जल्दी हो सके घर। चलो भागते हैं जितना जल्दी। पिछले दस मिनट से मैं उल्टे रास्ते चल रहा हूँ, पूरा का पूरा उल्टा रास्ता है भाई। देखो मेरे ऑपोजिट साइड में देखो सही रास्ता है, मैं उल्टे रास्ते चल रहा हूँ। पता है चारबाग के सामने एक वो रोड क्रॉसिंग पॉइंट था, सीढ़ी से चढ़कर ऑपोजिट साइड जाने वाले भाई, वहां मैं चढ़ा ना, ऐसा वाइब आया ना पूछो मत, मैं तो खतरनाक डर गया। एक आदमी पूरा वो नशे में सोया हुआ था और लोग ऐसे घूर रहे थे, मैं देख कर डर गया। मैं ना फोन निकाला ना कुछ, बोला निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके कट लो, ना तो सब कुछ छिन जाएगा। होटल कॉन्टिनेंटल, और अब मैं अपने रूम के तरफ बढ़ रहा हूँ फिर से वापस। कुछ चिप्स ले लेता हूँ मैं, रात को अगर भूख लगेगी तो संभाल लिया जाएगा। किसी भी जगह को जानना हो तो उसके स्टेशन के पास चले जाओ, इतना चीप आइटम मिल जाएगा ना कि अब दूसरे जगह में, मतलब सामने होटल के सामने या कहीं पे भी, मतलब इन फ्रंट ऑफ मॉन्यूमेंट बहुत ही महंगा होगा। स्टेशन के पास बहुत चीप में मिल जाता है वो सामान, जो सामान आप खोज रहे होंगे। जैसे कि मैंने इसमें एक कवर लिया है, बिस्किट लिया है, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत महंगा लग रहा था मेरे होटल के पास। वापस होटल के पास पहुँच गया हूँ, देखो मेज़बान में पहुँच गया हूँ, अब साइनिंग ऑफ किया जाए। होटल के सामने भी देख रहे हो कितने सारे कपड़े के दुकान है,
यहाँ से दूर दूर तक है कपड़े की दुकान, हर जगह लाइन से सब जगह सिर्फ कपड़ा ही मिलता है। यूपी के लोगों को बात करने नहीं आते, घूम घूम कर मैं थक गया हूँ। वो लोग ऐसे बात नहीं कर पाते हैं, पिक्चरों में जैसे दिखाया जाता है, समझ रहे हो? इसलिए मैं सोचा कि मैं ही पान खाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। पूरा मुंह में पान भरा हुआ है मीठा वाला। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। कृपया करके मुझे लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर देना, समझ रहे हो? धन्यवाद।